आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं बड़ी खबर के साथ। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि व्यापम में बहुत दिनों से भर्ती वैकेंसी नहीं निकल कर आई थी, अब वो वैकेंसी जल्द आएगी, यानी कि अगले हफ्ता जारी कर दिया जाएगा। क्या है पूरी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ी खबर के बारे में, जिसका है आपका सहकारिता विभाग में वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। देखिए, जो यहाँ पर है सहकारिता विभाग में, जिसका अध्यक्ष है वो मंत्री जी को मांग की थी, जिसका मांग वहाँ पर हो चुकी है, उसकी पूर्ति हो चुकी है। अब वह वित्त विभाग में यह मंजूरी मिल चुकी है, उसको प्रस्ताव भेजा जा चुका है, तो इसका जो वैकेंसी है अगले हफ्ते तक इसका मिल सकता है। साथ ही ये आप सभी के लिए बड़ी खबर है। साथ ही छात्रावास अधीक्षक भर्ती के न्यू बैच हम अपडेट करने वाले हैं, जो कि देखिए जो छात्रावास अधीक्षक जी क्लास है, हम नए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका हम कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो व्यापम की ओर से बहुत दिनों के बाद वैकेंसी देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर सहकारिता विभाग में, जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि देखिए यहाँ पर दिनांक आप देख सकते हैं 23/8/2023 को इसका लेटर जारी हुआ है। मतलब इसका जो कहने का मतलब है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डेट आप देख सकते 23/8/2023 यानी कि 23 अगस्त 2023 से इसका जो डेट दिया गया है, दिनांक आप देख सकते हैं। विषय के बारे में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित करने के संदर्भ में, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए कि विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जारी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एवं 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में रिक्त पदों की भर्ती आयोजित करने के बाबत में बिंदुओं की जानकारी उपलब्ध कराने संबंधित को निर्देशित करने हेतु लेख किया गया है। साथ ही उक्त संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक में यहां पर की क्रमांक देख सकते हैं, दिनांक 14/8/2023 द्वारा वांछित जानकारी व्यापम को प्रेषित कर इस कार्यालय में प्रेषित की गई है। साथ ही संदर्भित पत्र के तारतम्य में व्यापम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एवं 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजन का लिया राज्य सहकारी बैंक को नोडल एजेंसी तथा श्री के एन कांडे प्रबंधक संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यानी कि बहुत जल्द यहां पर आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है अगले हफ्ता ये सहकारी विभाग में, सहकारिता विभाग से। तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, बहुत जल्द इसके व्यापम में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जो आप देख सकते हैं यहाँ पर सरकारी संस्थाएं का हस्ताक्षर भी है, रमेश कुमार शर्मा जी का, ठीक है। श्री यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके खांडे प्रबंधक संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित नवा रायपुर। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी खबर है कि व्यापम में अब भर्ती वैकेंसी देखने को मिल सकता है सहकारिता विभाग में, जिसके लिए आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। साथ ही यहाँ पर देखिए छात्रावास अधीक्षक के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिसमें हम छात्रावास अधीक्षक के न्यू बैच प्रारंभ कर रहे हैं। तो अगले हफ्ते से हम आपको न्यू बैच क्लास कराएंगे, जिनको तैयारी करना है छात्रावास अधीक्षक और सहकारिता विभाग से। तो वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, यही आपको जानकारी देना था, यही बड़ी खबर था जो व्यापम में बहुत दिनों के बाद वैकेंसी देखने को मिल सकता है अगले हफ्ता। तो इसकी पूरी जानकारी हम आगे बताएंगे, जैसे इसके विभाग से कुछ नोटिफिकेशन मिलेगा हम आपको बता देंगे, ठीक।